बदला लो, ऐसा बदला जो आतंकी साजिश रचने वालों को ये याद दिला दे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे जवानों को मारने वालों को देश कभी नहीं बख्शेगा, बल्कि उनकी नापाक हरकत को जड़ से खत्म करेगा। और इसी का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंक के सरपरस्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुरुवार को पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 37 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश का सरगना आतंकी मौलाना मसूद अजहर है। पीएम ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। पीएम ने कहा कि देश को सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में आक्रोश है और लोगों का खून खौल रहा है। पीएम ने कहा आतंकी सरपरस्तों बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों को सजा जरूर मिलेगी। पीएम ने कहा कि इस वक्त देश में कुछ कर गुजरने की भावना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को छूट दे दी गई है। पीएम ने कहा कि वो आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों को ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। पीएम ने कहा कि वो देश को भरोसा देना चाहते हैं कि इस हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार है उन्हें उनकी सजा अवश्य मिलेगी। नरेंद्र मोदी ये कहते हुए भी नजर आए कि पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अगर ये समझता है कि इन साजिशों से वो हमारे में अस्थिरता पैदा करने में कामयाब हो जाएगा तो ये कभी संभव नहीं होगा। विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, ऐसी हर साजिश। फिर मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत को कभी अस्थिर नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि वक्त ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो जिस रास्ते पर चले हैं वो तबाही का रास्ता है। हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की का है। पीएम ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश को और ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीएम ने राजनीतिक दलों से अपील की और कहा कि इस वक्त छींटाकशी का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हमले को देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। देश का एक साथ और पूरे देश का एक ही स्वर है और यही पूरी दुनिया में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि वो आलोचना करने वालों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है।
पीएम मोदी ने कहा, लेकिन मेरी सभी साथियों से अनुरोध है कि बहुत ही संवेदनशील और भावुक समय है, इसलिए राजनीति छिटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है, ये स्वर विश्व में जाना चाहिए। हार भी है, लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण निछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारी भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाते हुए कहा, साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मन स्थिति और माहौल दुख और साथ ही साथ आक्रोश का है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, रुकने वाला देश नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमलों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार सुबह सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई है। बैठक में पाकिस्तान को अलग थलग किए जाने को लेकर कई फैसले लिए गए, जिसमें MFN का दर्जा भी शामिल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि WTO बनने के साल भर बाद ही भारत ने पाकिस्तान को 1996 में MFN का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को कभी यह दर्जा नहीं दिया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्थित अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में उस वक्त ये हमला हुआ जब CRPF का काफिला गुजर रहा था। CRPF काफिले पर हुए हमले में करीब 350 किलो IED का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल पूरा देश बस यही कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, अब बात नहीं ऐलानी जंग चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।